नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवीएन डॉक्टर उपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ वात दोष। इन प्रीवियस सेशन वी स्टडीड फंक्शंस ऑफ वात दोष एंड वात वृद्धि एंड वात क्षय लक्षण। टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वात दोष। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात के पांच प्रकार बताए हुए। इसी तरह आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने भी वात के पांच प्रकार बताए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये वात के पांच प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक टाइप के उन्होंने एक स्पेसिफिक कर्म बताए हुए हैं। प्रस्पंदन, उद्धवन, पूरण, विवेक, धारण, लक्षणो वायु पंचदा, प्रविभक्तम, शरीरम धारयति। वात के ये पांच कर्म उन्होंने बताए, प्रस्पंदनम, उद्धवन, पूरण, विवेक और धारण। प्रस्पंदनम शरीरस्य चलनम, प्रस्पंदनम शरीरस्य चलनम, प्रस्पंदन शरीर का चलना, यह व्यान वायु का कर्म है। उद्धवन मीन्स श्वास, प्रश्वास, भाषण आदि ज्ञानेन्द्रिय अर्थों का धारण करना, यह उदान वायु का कर्म है। इसी तरह उदर को आहार से भरना मीन्स पूरण कर्म, पूर्णम आहारस्य, यह प्राण वायु का कर्म सुश्रुत ने बताया हुआ है। इसी तरह विवेक कर्म समान वायु का बताया हुआ, विवेक मीन्स रस, मूत्र और मलों को विभक्त करना, यह समान वायु का कर्म बताया हुआ है। इसी तरह धारण कर्म, धारण मीन्स वीर्य, मल, मूत्र आदि को अवेगावस्था में धारण करना तथा वेगावस्था में उत्सर्ग करना। शुक्र मूत्र आदि नाम वेग काले कर्षणम, अवेग काले धारणम, यह अपान वायु का कर्म बताया है। मीन्स वीर्य, मल, मूत्र आदि का अवेगावस्था में धारण करना तथा वेगावस्था में उत्सर्ग करना, यह अपान वायु का कर्म आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है। वात दोष का प्रथम प्रकार प्राणवायु है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत निदान स्थान के अनुसार वायु यो वक्त्र संचारी स प्राणो नाम देहदृक, यह वायु जो मुख में संचरण करती है और देह का धारण करती है, इसे प्राण वायु कहा जाता है। इसी तरह अष्टांग हृदय में भी बताया, प्राणो अत्र मूर्धगः, प्राण वायु का स्थान मूर्धा प्रदेश है, सिर प्रदेश, ब्रेन रीजन है यह। और क्या करती है, उरह कंठस्थ चरो, यह उर चेस्ट रीजन और कंठ थ्रोट में ट्रेवल करने का काम करती है, संचरण करने का काम करती है। इसका फंक्शन क्या बताया गया, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक, स्टीमन, शौतु, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रवेश कृत, यह प्राणवायु बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त अर्थात मन को धारण करने का काम करती है। इसके अलावा स्टीमन, शौतु, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रवेश कृत, यह भी प्राणवायु के द्वारा ही किया जाता है। स्टीमन मतलब स्पिट करना और शौतु स्नीजिंग, उद्गार बेल्चिंग, निश्वास इंस्पिरेशन एंड एंट्री ऑफ फूड, ये सब किसके थ्रू होता है, प्राणवायु के, अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट। सेकेंड नंबर की वायु है उदान वायु। वात दोष का सेकेंड टाइप उदान वायु है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, उर स्थानम उदानस्य, उदान का स्थान उर चेस्ट रीजन है और यह नासा नाभि गलाश्चरेति, यह नोज, अम्बिलिकल एंड थ्रोट रीजन में संचरण करने का काम करती है, नेक रीजन में संचरण करने का काम करती है। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, इसके फंक्शन अष्टांग हृदय में बताया। वाक प्रवृत्ति टू प्रोड्यूस साउंड, प्रयत्न एफर्ट्स, ऊर्जा एनर्जी, बल फोर्स, वर्ण कलर नॉर्मल कलर ऑफ बॉडी, स्मृति मेमोरी, ये सब फंक्शन उदान वायु के अष्टांग हृदय में बताए हुए हैं। उसी तरह सुश्रुत निदान स्थान में बताया गया है, उदानो नाम यत ऊर्ध्वम उपेति पवन उत्तम, उदान वायु जो ऊपर की ओर गति करती है तथा
सभी वायु में, सभी पवनों में श्रेष्ठ वायु है, यह उदान वायु है। तेन भाषित गीत आदि विशेष संप्रवर्तते, मतलब क्या, इसी उदान वायु से भाषण गायन आदि विशेष कार्य होते हैं, ऐसा स्थान ऐसा सुश्रुत निदान स्थान में बताया गया है। वात दोष का तीसरा प्रकार व्यान वायु है। व्यानो हृदय स्थित कृष्ण देहचारी महाजवा, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, व्यान वायु जो है हृदय में स्थित होती है और ये कृष्ण देहचारी अर्थात संपूर्ण शरीर में संचरण करती है, इसे महाजवा ऐसा कहा गया है। इसका फंक्शंस क्या बताया गया है, गति अपक्षेपण उत्क्षेपण, गति अपक्षेपण, अपक्षेपण मीन्स अप मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट, उत्क्षेपण डाउन मूवमेंट, निमेश उन्मेष, ओपनिंग ऑफ आईज एंड क्लोजिंग ऑफ आईज, ये फंक्शन जो है व्यान वायु का अष्टांग हृदय में बताया गया है। इसी तरह सुश्रुत निदान स्थान में बताए कृष्ण देहचरो व्यानो रस संवहन उद्यत, मतलब क्या, सारे शरीर में भ्रमण करने वाली यह व्यान वायु है, जिसका फंक्शन क्या है, व्यान वायु रस का संवहन करने का कार्य करती है, मतलब रस का सर्कुलेशन इस व्यान वायु के थ्रू होता है। इसके अलावा श्वेद अश्रुक स्त्रवण, श्वेद और अश्रुक मीन्स रक्त का स्त्रावण करने का कार्य यह व्यान वायु करती है और यह पांच प्रकार की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसका चौथा प्रकार समान वायु है। समानो अग्नि समीपस्थ, अष्टांग हृदय में बताया गया है कि समानो अग्नि समीपस्थ है, अग्नि समीपस्थ अर्थात समान का मुख्य स्थान अग्नि समीपस्थ अर्थात ग्रहणी को बताया गया है और कोष्टे चरति सर्वता, क्या बताया गया है कि यह अग्नि समीपस्थ अर्थात ग्रहणी में रहती है और संपूर्ण कोष्ट संपूर्ण पाचन तंत्र में इसका संचरण होता है, कोष्टे चरति सर्वतः, संपूर्ण अन्न वह स्रोत में इसका संचरण होते रहता है। इसका फंक्शन क्या बताया गया है, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति, अन्न को पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में ग्रहण करने का कार्य करना, पचति अन्न का डाइजेशन पाचन करने का काम करना, विवेचयति सार और किट्ट भाग का विवेचन करने का कार्य करना, और मुंचती मुंचती अर्थात किट्ट भाग को नीचे की ओर धकेलने का काम यह समान वायु के द्वारा किया जाता है। वात दोष का पांचवा प्रकार अपान वायु है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय के अनुसार अपानो अपान गह, अपान वायु जो है इसका स्थान अपान प्रदेश बताया हुआ है और श्रोणी बस्ती मेंड्र उरुगोचर, श्रोणी अर्थात पेल्विक रीजन, बस्ती यूरिनरी ब्लैडर, मेंड्र पेनिस, उरु थाई रीजन, यहाँ पर क्या होती है, गोचर मतलब यहाँ पर इसका संचरण होते रहता है। इसका फंक्शन क्या बताया, शुक्र आर्तव शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, शुक्र आर्तव शकृत मूत्र और गर्भ इनका एक्सक्रूजन करने का काम और एक्सक्रीशन करने का काम यह अपान वायु के द्वारा किया जाता है। सो हियर वी एंड द टॉपिक वात दोष इन विच वी स्टडीड टाइप्स ऑफ वात दोष, लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वात दोष। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन। If you have any query, please mention it in comment box. I will resolve it. Thank you.